हेलो फ्रेंड्स, मैं पुष्पांजलि प्रणवी नर्से से बोल रहा हूँ। इसके पहले 4 तारीख जून महीना में 2021 में 4 तारीख में मैं कैसे पौधा को रोज़ प्लांट को लगाना है उसका मैं दिखाया था, एक तो डेमो दिखाया था। आज मेरे पास टाइम नहीं मिला था क्योंकि मैं एप्लीकेशन दे नहीं पाया। आज मैं 26th हो गया, मैं मेरा पौधा का एप्लीकेशन दे रहा हूँ। कैसे पौधा हुआ है मेरा, अभी 21 दिन हो गया पौधा का, 21 डेज में मेरा पौधा का ग्रोथ कैसे हुआ, क्या हुआ देखिए। जस्ट मैं मेरा ये थोड़ा मिट्टी और बालू एंड फार्मिंग 1:1:1 में लगाया था, ये उसका ग्रोथ है। सैंड सॉयल एंड फार्मी कंपोस्ट ये 1:1:1, ये तीनों का मिक्सिंग जो किया था, ये उसका पोजीशन है पौधा का। नतीजा कैसे देखिए, इसके बाद मैं और भी दिखाऊंगा। और फोटो में करके डेमो दिखाया था, ये भी एक तो पौधा का देखिए, ये भी मिट्टी में सॉइल में ही है, ये सॉइल में है, इसका भी ग्रोथ देखिए। उसके बाद मैं कुछ नहीं दिया, नॉर्मल मैं बाहर में रखा था, पूरा धूप में ही रखा था और पूरा कंटिन्यू बारिश हो रहा था हमारे यहाँ पर। उसके बाद कंटिन्यू बारिश हो रहा था, दिन में एक बार शायद मैं बीच में एक बार पानी दिया था, उसके बाद कुछ नहीं दिया था, बारिश हो रहा था बल्कि पानी नहीं दिया था। ऐसी सिचुएशन है, पौधा एक भी मेरा डैमेज नहीं हुआ, पौधा सब में लिप्स आ गया। मेरे को एक्चुअली बहुत पहले और भी स्प्रे करना खाना देना चाहिए था, लेकिन टाइम बिल्कुल नहीं मिल रहा था बोल के मैं दे नहीं पाया। तो ये और एक तो मैं दिखा रहा हूँ, ये वाला मेरा सैंड का देखिए, ये सैंड जो है 90% जो सैंड था और 10% जो वर्मी कंपोस्ट था, ये उसका अपग्रेड है। हाँ, इसके इसमें देखिए, इसमें मेरा कली भी आ गया, इसमें इसमें कली भी आ गया इसमें, और बिल्कुल एक भी पौधा मेरा डैमेज नहीं हुआ। मैं कुछ भी अभी तक दवाई मेडिसिन कुछ नहीं दिया अभी तक, ओनली बाहर में रखा था, बारिश हो रहा था, बारिश में भी पानी मिला, दो एक दिन साथ बारिश नहीं हुआ था उनके, उसमें पानी दिया, दिन में एक बार देखे दिया। और एक तो दिखा रहा हूँ, ये भी देखिए, ये भी बालू में ही है, बालू एंड फार्मी कंपोस्ट, सैंड एंड फार्मी कंपोस्ट, एक भी डैमेज नहीं हुआ। थोड़ा सा मेरे को लग रहा है इसका एक्चुअली थोड़ा पानी से देना चाहिए था, बिल्कुल टाइम नहीं बोल रहा, टाइम नहीं था उनके, नहीं दे पाया। तो जो भी है, इसके बाद मैं स्टार्ट करता हूँ, इसके पहले अभी क्या इमीडिएट देना चाहिए इसको, पहले इमीडिएट देना चाहिए इसको फंगीसाइड देना है इसको, इसको फंगीसाइड देना है, ये वाला फंगीसाइड इमीडिएट यूज़ कीजिए। इसको 1 लीटर M45 है, मैंगो जे 45 ये इसको अभी यूज़ करना है। 1 लीटर पानी में 2 ग्राम देना है, इसको हफ्ता में 1 दिन देना है। आपके पास पौधा जितना दिन रहेगा हफ्ता में ये 1 दिन देना है, ये फर्स्ट देना है। इसको आज देंगे तो फिर कल ये दवाई को देंगे, ये सेकेंड आ जाएगा आपको। ये 1 लीटर पानी में 1 लीटर पानी में 2 ml देना है, ए भी दे सकता है। इसका नाम है थीटा, इसका नाम है थीटा, थीटा 1 लीटर पानी में 2 ml देना है, ए भी हफ्ता में 1 ml देना है। सोनाटा भी दे सकता है, ए भी हफ्ता में 1 दिन दे। दैट इज ए आज दे दिया, आंगी सेट आज दे दिया, हाँ इसका नेक्स्ट दिन ही ये भी दे सकता है थीटा, उसका नेक्स्ट दिन फिर सोनाटा दे सकता है। ये हो गया आपको रूट में स्प्रे, रूट में नहीं पत्ती में, और ये हो जाएगा थ्रिल, ये जो पत्ती पत्ती काट देता है ना, काट के खा लेता है, उसके लिए थ्रिल देना है, ये कटार पिलर के लिए, ठीक है। मैं बाद में ये बता रहा हूँ, ये हो गया पत्ती में स्प्रे। पौधा का 2 पार्ट होता है, एक पत्ती होता है, एक लिप्स होता है, एक रूट होता है। आपको जैसे लिप्स को भी अच्छा रखना है तो रूट को भी अच्छा रखना चाहिए आपको। रूट को अच्छे रखने के लिए, रूट अच्छा डेवलपमेंट होने के लिए हम लोग मेरिनो यूज़ करते हैं, एरिस कंपनी इंडिया में वन ऑफ द फेमस कंपनी है, ये सब जगह में अवेलेबल भी होता है ये।
इसीलिए मैरिनो यूज करते हैं हम लोग इसको, और नहीं तो आप ह्यूमिक एसिड व ह्यूमिक गोल्ड भी यूज कर सकता है, इसको भी यूज कर सकता है। इसको एक लीटर पानी में, इसको डोज है एक लीटर पानी में 1 ml दीजिए, उसको 4 पौधा में डिवाइड कर दीजिए। 1 लीटर पानी में 1 ml देके उसको 4 पौधा में डिवाइड कीजिए, ये रूट के लिए, बाकी सब पत्ती के लिए। पौधा का 2 पार्ट होता है, एक तो पत्ती है, एक तो रूट, लिप्स है, एक तो रूट है। तर लिप्स को भी ऐसे अच्छा रखना है, रूट को भी अच्छा रखना चाहिए, ठीक है। ये हो गया पहले, अभी आज यूज करेंगे अभी M45। किसके लिए? फंगीसाइड। पौधा में फंगस लगता है, फंगस लगने से पौधा येलो येलो हो जाता है, जैसे हम लोग का फीवर होता है, पौधा का भी ऐसे होता है। उसके लिए आपको M45 यूज़ करना है, 1 लीटर पानी में 2 ग्राम, ये हफ्ता में 1 दिन देना है, ये आज दे दें, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बता रहा हूँ, कल सोनाटा दीजिए। सोनाटा है देखिए, इसका बहुत फंक्शन है, इसका पत्ती बेंड हो जाता है, वहाँ इसमें ग्रोथ हार्मोन भी है इसमें, तो इसलिए कल सोनाटा दे सकता है। 1 लीटर पानी में 2 ml देना है सोनाटा को। नेक्स्ट दिन थीटा दीजिए, थीटा का बहुत अच्छा फंक्शन है, जो माइट्स है इसका, देखिए फंक्शन में लिखा हुआ है, टू फॉर द कंट्रोल ऑफ थीप्स स्केल एंड माइट्स। स्केल बोलने से इसका एक तो कैंसर जैसा बीमारी होता है गुलाब का, ये इसमें अच्छा हो जाता है। माइट्स लगता है, मैंने पत्ती पत्ती बेंड हो जाता है, थीप्स भी लगता है, ये सब पूरा कंट्रोल हो जाएगा थीटा में। थीटा वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन फॉर रोज। 1 लीटर पानी में बायो प्रोडक्ट है, ये एक तो बायो प्रोडक्ट है, और 1 लीटर पानी में 2 ml देना है, हर हफ्ता में 1 बार करके देना है। इसका नाम है थीटा, वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन फॉर रोज। ये हो गया, और ये है कटर पिलर के लिए थ्रिल, 1 लीटर पानी में 2 ml देके आप 15 दिन में एक बार दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कारण हर दिन पत्ती काटता नहीं है। आप ये यूज़ कीजिए इवनिंग में, पत्ती काटना या कली काटना, जो भी काटता है, काट के जो होता है उसके लिए थ्रिल देना है। ये भी बायो प्रोडक्ट है, मैं मैक्सिमम जितना बता रहा हूँ, ये ओनली ये जो केमिकल है, बाकी सब बायो प्रोडक्ट है, ये एक तो केमिकल है, बाकी सब बायो प्रोडक्ट मैं दिखा रहा हूँ, ये सब बायो प्रोडक्ट है। हम लोग थोड़ा बायो थोड़ा ज़्यादा यूज़ करता हूँ, ये सब बायो प्रोडक्ट है, और ये एक तो केमिकल है, और रूट के लिए मैरिनो, बस ये है मेडिसिन। आपको रोज़ के लिए ये सब मेडिसिन कलेक्ट करना चाहिए, ये धीरे धीरे यूज़ करना है, मेडिसिन को कलेक्ट करना चाहिए, ठीक है। और कोई भी नहीं मिलेगा तो ये हमारा ऑनलाइन से भी अवेलेबल है, आप ऑनलाइन से मंगा सकते हैं, ऑनलाइन से भी हम लोग को मंगा सकते हैं, मंगा सकते हैं। ये आराम से एक बार देख लीजिए, आराम से। कौन कौन फिर से एक बार बता दीजिए, किसका किसका नाम है? ये थोड़ा सा जूम नहीं हो रहा है, तो टाइम नष्ट कर देगा, ठीक है। अच्छा, कोई अब हमारा बहुत कस्टमर प्लान में आते हैं, हिबिस्कस लगाता है, हिबिस्कस के लिए ये दोनों बेस्ट देसी रॉय, ये हिबिस्कस के लिए बेस्ट मेडिसिन है ये दोनों। जहाँ पर हिबिस्कस है उसमें मिलीबाग लगता है, मिलीबाग के लिए ये 2 ग्राम दीजिए, इसका नाम है प्लाटिनम 2 ग्राम दीजिए, थीटा 2 ml दीजिए, हाँ इसका थीटा 2 ml दीजिए, 2 ml देके दोनों को यूज़ कीजिए, इसमें आपको मिलीबाग बाग जो माइट्स का जो प्रॉब्लम है ये सब पूरा चला जाएगा, इसमें कोई टेंशन नहीं जाएगा। वो हिबिस्कस का वहाँ पर आपको गुलाब भी रहेगा, तो उसमें मिलीबग आता है कभी कभी, गुलाब में नॉर्मली नहीं आता है, लेकिन जहाँ पर हिबिस्कस रहता है एक साथ में रहने से आएगा कभी कभी, और हिबिस्कस से आता है उसमें, ये भी दोनों यूज़ करने से पूरा चला जाएगा, इसीलिए इसको दोनों यूज़ कीजिए, आराम से चला जाएगा ये, चला जाएगा। ये हो गया आपका मेडिसिन पार्ट हो गया, 2 पार्ट है, एक तो मेडिसिन है और एक तो फूड है, दोनों को मिक्सिंग मत कीजिए। मेडिसिन जैसे हम लोग का BP शुगर उसके लिए मेडिसिन खाता हूँ, और राइस खाता हूँ रोटी खाता हूँ वो खाना है, और मेडिसिन है बीमार के लिए, वो दवाई लेना पड़ता है। आपको अभी जो दिखाया वो बीमार के लिए दवाई दिखाया, अभी है खाना दिखाएंगे, पौधा को कैसे खाना, कौन सा खाना यूज़ करना है। फर्स्ट यूज़ करना है 1260 NPK आफ्टर 21 डेज, लेकिन मेडिसिन जो मैं दिखाया था वो 15 दिन के बाद स्टार्ट कीजिए,
पौधा लगाने का 15 दिन के बाद देखिए आपका लिप्स आ जाएगा, उसमें आप 15 दिन के बाद स्टार्ट कीजिए मेडिसिन देना। और खाना देंगे पौधा लगाने का 21 डेज के बाद। 21 डेज जब हो गया पौधा आपका, देखिए अच्छे से जब पौधा में लिप्स आ गया, जब पौधा में लिप्स आएगा तभी आपको खाना देना है। लिप्स नहीं आएगा तो उसका किचन रेडी नहीं होगा। जब किचन रेडी नहीं है खाना कैसे देंगे फिर, तो खाना पकाएगा कहाँ। इसलिए जब तक उसका लिप्स रेडी नहीं हुआ खाना मत दीजिए, ठीक है। इसके बाद कौन सा खाना देंगे देख लीजिए। पहले देंगे 12610 एंड मैगी मैक्स बोल के है, मैग्नीशियम सल्फेट है ये 12610 एंड मैग्नीशियम सल्फेट 12610 मोनो अमोनियम फॉस्फेट, इसको बोलता है मोनो अमोनियम फॉस्फेट। और ये मैग्नीशियम सल्फेट, ये दोनों को मिक्सिंग करके, दोनों को मिक्सिंग करके एक पौधा में आधा ग्राम दीजिए, हाफ ग्राम पर प्लांट। इसको कोई कोई डेली यूज़ कर सकता है, लेकिन जिसका एक्सपीरियंस कम है वो लोग हफ्ता में 2 दिन यूज़ कीजिए बेटर रहेगा। ज़्यादा खाना देने से पौधा मर जाता है, इसलिए ज़्यादा खाना मत दीजिए। जिसका एक्सपीरियंस अच्छा है, जो लोग पूरा एज एग्जीबिशन लेवल में करता है वो लोग उस हिसाब से खाना यूज़ करेगा, लेकिन जो लोग का एक्सपीरियंस कम है आप हफ्ता में 2 दिन दीजिए। कम खाइए सस्त रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज़्यादा खाने से प्रॉब्लम आता है। इसको दोनों को मिला के हाफ ग्राम दीजिए। पहले ये पहले चलेगा कितना दिन चलेगा, 1 महीना चलेगा मिनिमम, हफ्ता में 2 दिन 1 महीना तक यही खाना चलेगा। इसके बाद क्या चेंज हो जाएगा, इसका क्या फंक्शन है 12610 का, जीरो का दो टो फंक्शन है। एक तो है आपको नया नया शूट्स को निकलेगा, नया नया डंगल निकलेगा, और नेक्स्ट है रूट सिस्टम को अच्छा रखेगा, रूट सिस्टम को अच्छा रखेगा, नया नया शूट्स भी निकलेगा। यही तो मेरा पहला प्रायोरिटी है। उसके बाद जब नया नया शूट्स निकल जाएगा थोड़ा थोड़ा करके, उसके बाद देना है 12610 सल्फेट यूज करने से आपको पत्ता का जो क्लोरोफिल है वो अच्छा रहेगा, पूरा ग्रीनिश रहेगा, क्लोरोफिल ठीक रहेगा। क्लोरोफिल अच्छा रहने से उसका खाना हजम नहीं होगा, खाना पका पाएगा वो। और 12610 जब इसके बाद जो 12610 के बाद 12610 यूज़ करना है, इसका काम है बॉडी 2020 का फंक्शन है बॉडी डेवलपमेंट। 1919 में यूज होता है, कभी कभी मिलता है। 2020 का मेन फंक्शन है बॉडी डेवलपमेंट। इसको देने से ये जो छोटा छोटा आपको डंगाल निकल गया, डंगाल निकलेगा अभी, उसका डेवलपमेंट करने के लिए 2020 यूज़ करना है। एंड मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट देने से आपको पत्ता का क्लोरोफिल ठीक रहेगा, ठीक है। ये दोनों मिला के हाफ ग्राम देना है, दोनों मिला के हाफ ग्राम पर प्लांट, दोनों मिला के हाफ ग्राम। हम लोग का जो पर प्लांट हाफ ग्राम देना है। हाँ, छोटा सा चार प्लांट है, चार प्लांट बोलने से 2 ग्राम लगेगा, ये 1 ग्राम दीजिए, ये 1 ग्राम दीजिए, दोनों मिला के हाफ ग्राम में 1 ग्राम 2 ग्राम हो गया, 2 ग्राम हो गया। उसको मान लीजिए एक एक पौधा में आपको 250 ml पानी देना है, दैट मीन्स 1 लीटर पानी लीजिए, 1 लीटर पानी में ये 1 ग्राम दीजिए, ये 1 ग्राम दीजिए, उसको डायल्यूट कर लीजिए आराम से, डायल्यूट करके चार पौधा में डिवाइड कर दीजिए। हाँ, दैट मीन्स ये जो छोटा, ये जो हम लोग का आइसक्रीम खाता हूँ, इसका जो चम्मच है, इसका ये 1 चम्मच दीजिए, ये 1 चम्मच दीजिए, दोनों को 1 लीटर पानी में दीजिए, देखिए चार पौधा में डिवाइड कर, बस हो गया आपका इजीली। ये अभी इमीडिएट चलेगा, ये दोनों चलेगा, ये भी एक महीना तक मिनिमम चलेगा, उसके बाद फिर बताएंगे कि आपको। हाँ, 12610 1 महीना देना है, उसके बाद 2020 का फंक्शन आएगा। ये अभी इमीडिएट चलाइए और ये सब मेडिसिन को चलाइए, इसके बाद नेक्स्ट टाइम मैं दिखाऊंगा।